तो कुल मिलाकर इस आयु वर्ग यानी 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे, साथ ही साथ अलग जगहों की हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड से कुछ रिपोर्टर भी होंगे जो बताएंगे इस वक्त ये ड्राइव कैसे आगे चल रही है और आपके मन में जो सवाल है वो डॉक्टरों से जानेंगे। लेकिन इस बीच सबसे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर, अहमदाबाद, डिब्रूगढ़, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू और नोएडा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। बच्चे खासे उत्साहित, रजिस्ट्रेशन कराकर कोविन ऐप पर बच्चे यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि सुविधा तो ये भी दी गई है कि आप वॉक इन करके, यानी अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी वहां पहुंचते हैं तो अगर आप उसी आयु सीमा वर्ग के बच्चे हैं आपके साथ या वो बच्चे पहुंचते हैं तो उनको टीकाकरण किया जाएगा। पहली डोज ये लग रही है और इस डोज के बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज भी लगनी है, उसकी तैयारी भी आगे की जानी है। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी तो ये कि ये बात समझना होगा कि टीकाकरण लग जरूर रहा है लेकिन ये अभी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होगी जब तक दूसरी डोज ना लग जाए और उसके बाद भी इंतजार करना होगा, यानी लापरवाही नहीं करनी होगी। दो सहयोगी दिल्ली से और जयपुर से जुड़ चुके हैं, श्रुतिका हमारे साथ दिल्ली से हैं और देव अंकुर हमारे साथ जयपुर से हैं। श्रुतिका जरा दिल्ली का हाल बताइए, कितने लोगों को अभी तक लग चुका है टीका? यहाँ पर जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, SDMC प्राइमरी आरकेपुरम का स्कूल है ये दिल्ली का, यहाँ पे सुबह से ही बच्चों का आना शुरू हो गया था और करीबन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए लग रहे हैं वो 50 हैं। साथ ही साथ 150 जो कि यहाँ पे टोकन दिए जा रहे हैं जिनके जरिए यहाँ पे लग रहे हैं। अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो ये वेटिंग एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वक्त बच्चे कुछ इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ से वैक्सीन लगवा के बच्चे जा चुके हैं तो इनसे जान भी सकते हैं कि क्या उनका अनुभव है, क्या किसी तरीके का कोई सिम्टम आया है आपको, कोई भी एडवर्स इफेक्ट आया है आपको? नहीं आया, कोई तकलीफ, दर्द? नहीं मैम। तो बच्चों से कोई भी तकलीफ या दर्द उनको नहीं, आपको कोई परेशानी हुई है? कुछ भी नहीं। तो कोई कैसा अनुभव रहा है वैक्सीन का? नहीं, मैं सही, नॉर्मल नॉर्मल रहा है। और बाकी उन लोगों को कुछ कहेंगे जो लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं? लगवाओ वैक्सीन, क्या कोई डर नहीं है, सबको लगवाना चाहिए। बच्चों का भी कहना है कि वैक्सीन, ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ श्रुतिका। और देखिए अलग अलग जगहों पर जहां पर ये ड्राइव चल रही है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं सेंटर्स में, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे इस वक्त, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं बच्चों के बीच में और उनके सामने पहुंचकर उनका उत्साह वर्धन करते हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को भी जल्द से जल्द दोनों डोज लग जाए और उसके बाद तैयारी 12 से 15 के बीच की होगी ताकि जल्द से जल्द हर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लग जाए, ताकि जो खतरा नए वेरिएंट के तौर पर हमारे सामने आता है, जैसे अभी हमारे सामने ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है, उस खतरे से कैसे निपटा जाए वो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है इसका संक्रमण बहुत तेज है लेकिन इसमें बहुत गंभीर स्थिति नहीं बनती, अस्पताल में एडमिट करने की अभी कोई नौबत नहीं आ रही। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि ये कहा गया है कि जैसे जैसे ये केसेस बढ़ेंगे तो हो सकता है इसकी गंभीरता भी बढ़े, इसलिए हल्के में ओमिक्रॉन वेरिएंट को नहीं लेना है, सतर्कता वैसी ही रखनी है जैसे हमने दूसरी लहर और पहली लहर में रखी थी। इस वक्त डॉक्टर मनिंदर धालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं बाल चिकित्सा क्रिटिकल केयर यूनिट के मेदांता के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चे खासे उत्साहित हैं, ये आयु वर्ग जो पहुंचा है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में थोड़ी शंका भी है। एक तरफ आप उत्साहित हैं कि चलिए टीकाकरण हो गया, हम थोड़े सुरक्षित हो गए, लेकिन दूसरी तरफ चिंता और डर इस बात की कि क्या बुखार आ जाएगा, क्या कुछ और हो सकता है, डर इस बात का कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है खासतौर पर बच्चों के मन पे, उनके मन से ये डर कैसे भगाएंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, खुशी की बात है कि वैक्सीन रिलीज हो गई है इंडिया में और अच्छी तरह लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ बच्चे हैं उनको हमेशा डाउट रहेगा कि वैक्सीन लगाने से बुखार आएगा या दर्द होगा। अभी स्टडी रिलीज हो गई है, इंडिया ने जो स्टडी करी थी उसमें बताया गया है कि मेजर साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, हल्का मल्का बुखार सिर्फ 25% बच्चों में देखा गया है और मेजर साइड इफेक्ट ना है, और बल्कि एफिकेसी इनकी बहुत अच्छी है, बल्कि अडल्ट से ज्यादा एफिकेसी है, मतलब वैक्सीन लगाओगे 90% से ऊपर इनका सुरक्षा लेवल है, सो इट्स वेरी गुड। एंड इस हेजिटेंसी को निकालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा, जो बच्चे यहाँ से निकले हैं इंजेक्शन लगा के वो अपने साथियों को बताएंगे और इसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव कामयाब हो।
ठीक डॉक्टर मनिंदर धालीवाल, क्या आप ऐसा मानेंगे, क्योंकि अभी कई डॉक्टर हम लोगों के साथ जुड़े, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो वक्त है, क्योंकि ये बताया जा रहा है चलिए आज पहली डोज लगेगी, 28 दिन के बाद दूसरी डोज लग जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी बनने में वक्त लगेगा, और ऐसे वक्त पर खतरा हमारे सामने देखिए तीसरी लहर का, ओमिक्रॉन वेरियंट का है, क्या ये थोड़े पहले हो जाना चाहिए तब हम ज्यादा सुरक्षित होते, या अभी हमको सारे प्रिकॉशन रखने हैं वैसे ही, कि जब तक आपका अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती घर से ना निकले, सारे एहतियाती कदम उठाएं। एक तो हम बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर आपके दो शॉट इंजेक्शन के लग भी गए उसके बाद भी आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखना है। वैक्सीन से आपको सुरक्षा मिलेगी लेकिन आपके दौरान दूसरे बच्चे को लग सकता है, तो अपना मास्क और ये सब पहन के रखना है। और जहां तक देरी की बात है, कोई देरी नहीं हुई है, हम बिल्कुल सही समय पे ओपन कर रहे हैं वैक्सीनेशन। अब ओपन किया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वी शुड प्रमोट इट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इस वक्त डॉक्टर बीजल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाल चिकित्सक हैं एलएच हीरानंदानी अस्पताल मुंबई से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आपसे एक सवाल लेना चाह रही हूं कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस ड्राइव को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन थोड़े कम हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वॉक इन भी, यानी लोग ऐसे भी बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि उतना ही उत्साह है, या आपको लग रहा है थोड़ा डर भी है जिसको आपको लगता है कि क्लियर करने की जरूरत है? नहीं, ये तो हमेशा होता है कि कुछ भी नई चीज आई तो थोड़ा सा डर तो रहेगा ही, लेकिन अभी हमें डेटा है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में भी 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी लगा है और उसको भी 3-4 महीना हो गया, बहुत सारे बच्चों को वर्ल्ड में लग चुके हैं और उनके अंदर जो हमने साइड इफेक्ट देखे हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन माइल्ड फीवर, माइल्ड बॉडी एक, मतलब दर्द होना, ये सब चीजें हर वैक्सीन, जैसे बच्चों लोग को तो आदत होती है कि वैक्सीन, पेरेंट्स को भी मालूम है कि थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स हर बच्चे को होते हैं, लेकिन ये सीवियर साइड इफेक्ट्स ज्यादातर वर्ल्ड और यहाँ पे जब भी कोवैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं तो उसमें नहीं देखे है, इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है। और हमें तो ये जो नया ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया है उसमें ये देखा गया है कि जिनको पहले बार वैक्सीन लगी है, जैसे अडल्ट पॉपुलेशन है, और जिनको कोविड हो चुका है उन लोगों में ये ओमाइक्रॉन उनमें भी हो रहा है, तो हमारे पास जो एक चीज है जिससे हम ये वैक्सीन, जैसे ये इन्फेक्शन से रह सके, वो है वैक्सीनेशन। इसीलिए मेरे हिसाब से ये एज ग्रुप को तो अच्छा है कि वी हैव हमने ये चालू किया है, ये बिना डरे सब पेरेंट्स को आके ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि कोवैक्सीन काफी सेफ है, ये अडल्ट के कोवैक्सीन से भी हमें मालूम है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर समीर भाटी भी हैं जो कि मेंबर वैक्सीनेशन कमेटी के हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब, ये जब लोग बच्चे पहुंच रहे हैं, वैक्सीन जब उनको लग रही है तो उनके लंबाई, उनकी वजन, उनका ब्लड प्रेशर, इनको भी चेक करने की बात आ रही है, क्या हर जगह ये हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हाँ देखिए, इस तरह के ये सब पैरामीटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बच्चों का स्पेसिफिकली मैं बात करूं दिल्ली की, तो हम तो सुबह से देख रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव, पेरेंट्स में, अभिभावकों में भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और बच्चे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब उनको लग रहा है कि ये नेशनल वैक्सीनेशन जो ड्राइव है हम भी इसका एक पार्ट बन पा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी फास्ट, दिल्ली की मैं बात करूं तो काफी जो है तेजी से चल रहे हैं, इसके बाद वॉक इन भी काफी आ रहे हैं और बच्चे अकेले भी आ रहे हैं, बिना पेरेंट्स के भी बच्चे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 15 से लेकर 18 साल का ग्रुप है तो वो बच्चे खुद अपनी आईडी लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने सुबह से जितनी भी वैक्सीन, लगभग हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में 40 के करीब बच्चों को लगी है, कोई किसी तरह का माइल्ड साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिला और बच्चे भी अपनी जैसे सेल्फी पॉइंट पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उन बच्चों को देख के बाकी और बच्चे भी आएंगे वैक्सीन को लगाने के लिए। बाकी किसी भी बच्चे के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा सिम्टम देखा नहीं गया और पेरेंट्स भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। डॉक्टर मनिंदर धालीवाल, देखिए क्योंकि बच्चे काफी उत्साहित हैं, इसके हिस्सा बन रहे हैं, जाहिर तौर पर वो खुशी तो जरूर वो महसूस कर रहे होंगे, लेकिन किस तरीके के सिम्टम, मतलब जब जैसे बड़े लोगों को जब वैक्सीन लगी तो सेम सिम्टम्स बच्चों को भी जब वैक्सीन लगेगी होगी, या कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है? तो जो स्टडी करी गई है बच्चों में अभी, उसमें पाया गया है कि 25% बच्चों को थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ, वो भी 6 से 8 घंटे बाद, एंड वो भी 24 घंटे में चला गया। थोड़ा बहुत हल्का बुखार हुआ उनको और थोड़ा बॉडी टायर्डनेस हुई, जो एक डोज पैरासिटामोल से सॉल्व हो गया।
एंड कोई मेजर साइड इफेक्ट आया नहीं। सो एज अ पेरेंट हमें घबराने की बात नहीं है, और बच्चों को अगर यहाँ दर्द होता है तो हल्का पानी, ठंडा पानी लगा लेंगे तो वो भी बेटर हो जाएगा। इन ऑल इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन। अच्छा, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विवेक गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं, बाल चिकित्सक हैं फोर्टिस अस्पताल के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गोस्वामी साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे क्या डरे हुए हैं, क्योंकि जिस नंबर पे पहुंच रहे हैं क्या कोई डर उनके अंदर हो सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो क्या आप मान रहे हैं कि यही परफेक्ट टाइम है, या थोड़े दिन पहले ही नवम्बर एंड तक या दिसंबर के शुरू होने पर ये पहली डोज दे देनी चाहिए थी बच्चों को? देखिए, जहां तक डर का माहौल है, ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन है जिसमें एक रैपिड स्पाइक आने की पूरी पूरी संभावना है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका और यूएस में देखा है। सो डिजीज सिवियरिटी उतनी सी नहीं है जितनी डेल्टा में देखी गई है, बट बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस विल बी वेरी हाई, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिक पेशेंट्स विल मेक अ ह्यूज नंबर इन इंडिया। So we have to be prepared for that. Now the only way you can prepare is one, एक तो कोविड appropriate behavior सबको observe करना जरूरी है, और दूसरा है vaccination. Retrospection में yes, हम कह सकते हैं कि अगर ये vaccination drive एक महीना पहले हुआ होता तो definitely उसका impact और better होता, but देर आए दुरुस्त आए, जब भी हम start करें at least we shall start with the full force and we should try to cover maximum number of population in the pediatric age group to have an impact on the disease. डॉक्टर बीजू श्रीवास्तव, जो बच्चे हैं, देखिए पेरेंट्स को कई बार लग रहा है कि शायद बच्चों में उतना खतरनाक नहीं होगा, ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे र्यूमर्स भी हैं, जो आप एक डॉक्टर के तौर पर क्लियर कर सकती हैं। ओमिक्रॉन भी बताया जा रहा है कि संक्रमण तो बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन खतरनाक इतना नहीं है, तो क्या लोग जो ये सोच रहे हैं, जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अभी क्या जरूरत है वैक्सीनेशन कराने की, उनको क्या कहेंगे? और इस तरीके के अगर भ्रम है मन में तो कैसे दूर करेंगे? तो क्या है कि जब भी डेल्टा वेव, सेकेंड वेव जो अपना हुआ था, उसके बाद बहुत सारे जो भी फैमिलीज में हुए थे इन्फेक्शन, उनमें बच्चों को भी हो गया था। और जब भी जून जुलाई का सर्वे हुआ था उसमें काफी बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी, मतलब एंटीबॉडीज आ गई थी। लेकिन ये है कि हम लोगों ने और वर्ल्ड ओवर हमने जो लॉन्ग टर्म इश्यूज देखे है कोविड के, जो बच्चों में जिसमें हार्ट और उनके ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, उसको MISC हम बोलते हैं। और एक जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कोविड। वो लॉन्ग टर्म कोविड में थोड़ा सा बॉडी एक रहना, थोड़ा हेडेक रहना, वीकनेस रहना, वो जो पहले जैसा जो वेल बीइंग है वो बच्चों में भी देखा गया है, जो अडल्ट्स में देखा हुआ है। और ये वायरस ब्रेन टिश्यू में भी मिला है, स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड भी मिला हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कोविड हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि माइल्ड केस होने के बावजूद भी ये लॉन्ग टर्म इश्यूज बच्चों में हो सकते हैं। इसकी वजह से, और थोड़े से परसेंटेज तो रहेंगे ही जो एडमिट होंगे और जिनको आईसीयू लगेगा, तो ये हमें मालूम नहीं है किसको, कौन वो बच्चा होगा जिसको ये बुरा वक्त आ सकता है। स्पेशली जिनको अंडरलाइन कोई इश्यूज है, जैसे कि हार्ट के इश्यूज हो, ब्रेन के इश्यूज हो, जिनको लिवर किडनी के इश्यूज हो, स्पेशली जिनको मोटापा हो, इन लोगों में कोविड के जो इन्फेक्शन की सिवियरिटी है वो काफी ज्यादा मानी गई है। और ये डेटा है जो इंडिया में भी है और वर्ल्ड ओवर है। तो हमें नहीं चाहिए कि कोई एक अच्छी सी चीज मिल गई है जो वैक्सीन है, और ये वैक्सीन काफी सेफ है, तो हमें जरूरी है कि ये वैक्सीन लगा के, और जैसे सब बोल रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, हमें ये ओमाइक्रॉन का जो थ्रेट है वो नेक्स्ट 1.5 मंथ में काफी बढ़ने वाला है। पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आपको देश भर से आ रही तस्वीरों पर ये छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना से लड़ाई में आज से बच्चों को भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिलना शुरू हो गया है। देश भर के लगभग 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 18 की उम्र के हैं। इसके लिए आज से टीकाकरण की मुहिम शुरू हुई तो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आनी शुरू हो गई। शुरुआती तस्वीर गुजरात से आई, जहां डीएम एंड एचएनजे कोबावाला गांधीनगर हाई स्कूल में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी देखरेख में एक छात्र को पहला डोज लगवाया। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ अपनी निगरानी में बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू कराने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया,
आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। देश के तमाम वैक्सीन सेंटर पर खास तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में बच्चों को वैक्सीन देने के लिए 159 वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। नोएडा के कैलाश अस्पताल में सुबह सुबह करीब 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। वहीं जम्मू में भी छात्रों का वैक्सीनेशन सेंटर पर आना शुरू हो गया था। पहले हमें डर था कि हमें कोरोना हो जाएगा, अब हमें डर भी नहीं है कि हमें टीका लग रहा है, हम ठीक हो जाएंगे। उत्साह बहुत है और साथ में डर भी था कि मतलब कि हम कम एज के हैं, हमको कोविड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है आज। I'm actually excited and then I'll get to go somewhere and then go to college also. I'm actually excited to go to college. डर लग रहा है वैक्सीन लेने में? नहीं, डर नहीं लग रहा है। दूसरे दोस्तों से पूछा था, वो लोग डर रहे हैं, वो लोग क्यों डर रहे हैं और आप क्यों नहीं डर रहे? मुझे ये वैक्सीन चाहिए। कोविड का इंजेक्शन सब लोग ले लिए घर में, तो मेरा भी होगा, इसलिए एक्साइटमेंट है। मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर पर भी तैयारियां थी और माता पिता के साथ आए बच्चे खुशी खुशी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोरोना के मामले जब तेजी से बढ़ रहे हैं, तब वायरस के खिलाफ लड़ाई में बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल रहा है। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था और भारत बायोटेक की को वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। अब कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन से या फिर ऑन साइट जाकर बच्चे वैक्सीन लगवा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों को, बच्चों को आज वैक्सीन लग रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट हमने दिखाई, लेकिन कई सवाल अभिभावकों के मन पर है। उसी का जवाब देने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, मनिंदर धालीवाल डॉक्टर मौजूद हैं और डॉक्टर विवेक गोस्वामी हमारे साथ हैं, डॉक्टर बिजल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ हैं। समीर भाटी साहब मेंबर हैं वैक्सीनेशन कमेटी के। समीर भाटी साहब, ये ड्राइव, क्योंकि इसको लेकर कई बातें ये कही जा रही थी, एक सर्वे जो कि सीरोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये कहा जा गया था कि 70% बच्चे बाहरी संपर्क में पहले ही आ चुके हैं और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में 30% जो रेस्ट हैं, उनको क्या टीकाकरण इतना जरूरी है नहीं है, ये सारी बातें ये आपके जहन में भी आई होंगी। कई बार ब्लड का थक्का जमने, इस तरीके के रूमर्स भी उड़े हुए हैं, इन सारी बातों पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ देखिए, जो हम हेजिटेंसी का बात करें तो शुरू में हेजिटेंसी थी जब हमारा वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था। पर बच्चों की मैं बात करूं, जैसे अभी कुछ दिनों से, जब से 1 तारीख से जैसे वैक्सीनेशन का ओपनिंग हुई है, बच्चों के जो पेरेंट्स के अभिभावकों के जो सवाल आ रहे हैं, वो एक वैक्सीन की सेफ्टी को जो लेके आते हैं, बेसिक सवाल सिर्फ वो आ रहा है। उसमें हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि अभी जिस तरह से कोवैक्सीन लगना शुरू हुआ है, इसका ट्रायल हो चुका है बच्चों के ऊपर, इस एज ग्रुप के ऊपर, वो पूरी तरह से सेफ मानी गई और वो वैक्सीन अडल्ट्स को भी लगी थी, तो किसी तरह के साइड इफेक्ट को जो है लेकर इस चीज को पेरेंट्स को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक हेजिटेंसी जो थोड़ी सी है, वो ये है कि पेरेंट्स का सवाल रहता है कि अभी और भी कोई वैक्सीन अप्रूव होने वाली है, तो क्या हम रुक जाएं, हम वो वैक्सीन लगाएं, क्या हम यही वैक्सीन लगाएं? इसका भी उनको जवाब दिया जाता है कि इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, इससे अच्छी एंटीबॉडीज बनती है। कईयों का सवाल होता है कि बच्चे को पहले से नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है कोविड, तो क्या लगवाएं? उनको भी बताते हैं कि आपको वैक्सीन लगवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेचुरल इम्यूनिटी ठीक है, पर वैक्सीन भी उतनी जरूरी है। वैक्सीन लगाने के बाद जो उनकी इम्यूनिटी है और पहले से बेहतर होगी, तो ये सवाल है। और इसके अलावा काफी पेरेंट्स के सवाल है कि हमारे 2 बच्चे हैं जिसकी उम्र 1 की 15 साल से कम है, दूसरा बच्चे की 15 साल से, तो उनको कहते हैं अभी जो अवेलेबल वैक्सीन है आप उनको लगा लीजिए, तो सिर्फ इसी तरह के ज्यादा सवाल है। हाँ, ज्यादातर ये भी सवाल आ रहे हैं सुबह से कि अभी जैसे कोविड फैला हुआ है तो बच्चों को क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर आना सेफ है कि नहीं, वो भी हम उनको बता देते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जो है अपॉइंटमेंट्स बच्चों को दी जाती है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी है कि बच्चों के लिए अलग से जो है अरेंजमेंट किए जाएं, एडल्ट्स के साथ उनको हम मिक्सअप नहीं कर रहे, तो ये सब चीजों का वैक्सीनेशन सेंटर्स पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और स्कूल्स भी काफी मूव कर रहे हैं, आगे बढ़कर आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी जो टाई अप कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि उनके भी वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो सके, तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है डॉक्टर मनिंदर धालीवाल, देखिए कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि आपका लंबाई, वजन, ब्लड प्रेशर, जो बच्चे पहुंच रहे हैं उनका चेक हो रहा है, क्या ऐसा हर जगह हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स के मन में बार बार ये सवाल है और वो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ये करवाना जरूरी है या सब ये हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है?
ये काफी ऑप्शनल चीज होती है, लेकिन जब भी कोई बच्चा किसी बच्चों के डॉक्टर में पहुंचता है फॉर वैक्सीनेशन, तो बाय डिफॉल्ट उसका वजन और हाइट और ब्लड प्रेशर लेते हैं ताकि कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो वो दिख जाए उनको। ऐसे नेसेसरी नहीं है, पर अगर ये हो रहा है तो इसमें बुराई भी कोई नहीं है। और दूसरी बात यह कि जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अगर इसको पिछले साल कोविड हो गया है तो हम इस साल नहीं लगाएं वैक्सीन, ये बहुत गलत है, क्योंकि आपको अपनी इम्यूनिटी को रीट्रेन करना पड़ता है और वैक्सीन उस चीज को करेगी। ठीक है डॉक्टर विवेक गोस्वामी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे जिनके अंदर बच्चे तो वैसे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें बहुत है, तो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बच्चे तो वैसे भी सुरक्षित हैं, दूसरा स्कूल्स बंद हैं, साथ ही साथ बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे में वैक्सीन की क्या जरूरत, उनको क्या कहेंगे आप? क्षमता है बीमारी से डरने की वो बहुत ज्यादा है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, बिकॉज हर वायरस का एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर होता है। हमने देखा है कि फ्लू जो है वो बच्चों में ज्यादा खतरनाक होता है, कोविड जो है वो बच्चों में उतना खतरनाक नहीं है जितना कि बड़ों में है। तो पहली चीज ये स्टेटमेंट कि बच्चे बिल्कुल सेफ है, ये गलत है। दूसरी चीज देखिए, बच्चा अगर बाहर नहीं भी जा रहा है, पेरेंट्स तो बाहर जाते हैं अपने काम के लिए, अगर वो इन्फेक्शन लेके घर में आते हैं तो दे आर एक्सपेक्टेड टू पास ऑन दैट इन्फेक्शन टू द किड्स एज वेल। तो बच्चा घर में रहते हुए भी सेफ नहीं है बिकॉज वो एक्सपोजर होता है। थर्ड थिंग कि क्या उनको वैक्सीनेशन जरूरी है, देखिए 12 टू 18 ईयर ऐसा एज ग्रुप है जो इम्यूनिटी वाइज एडल्ट्स की तरह ही बिहेव करता है, और उनमें जो सिवियरिटी है वो भी एडल्ट्स की तरह ही ऑलमोस्ट आती है, तो वो एक सेफ एज ग्रुप नहीं है और वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो हमारा पहला टारगेट है कि 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जो है उनको तो इमीजिएटली बेसिस पे हमें एड्रेस करना जरूरी है वैक्सीनेशन के साथ। हाँ, 5 टू 12 में डिबेट हो सकती है या लेस देन 5 में डिबेट हो सकती है, बट 12 टू 18 इयर्स इज एन एब्सोल्युटली क्लियर एरिया वेयर द डिजीज सिवियरिटी कैन बी एक्चुअली बैड एंड दे आर अनप्रोटेक्टेड बिकॉज दे हैवंट गॉट द वैक्सीन एज येट। तो इस एज ग्रुप में तो हमें डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है, देर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, एवरी पेरेंट शुड गो एंड गेट देयर चाइल्ड वैक्सीनेटेड इफ दे आर बिटवीन 12 टू 18 इयर्स। ठीक है डॉक्टर बीजल श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर साहब देखिए बहुत सारे र्यूमर्स, क्योंकि जब पहले आप याद होगा जब बड़े लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी बहुत सारे र्यूमर्स तब आए थे, अब जब बच्चों को लगने शुरू हुई है तो र्यूमर्स तो इनको लेकर भी हैं, और कुछ पेरेंट्स के मन में सवाल ये है कि दीर्घकालीन असर इसका नहीं देखा गया है और वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरा था, बनी ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, क्या बाद में कोई इसका असर दुष्प्रभाव के तौर पर पड़ेगा, ऐसा सवाल भी लोगों के मन में है। और ये भी सवाल है कि र्यूमर्स तो ये भी थे कि खून का थक्का भी शायद बनने लगता है, इस पर कितनी सच्चाई है या इस पर क्या कहेंगे आप? तो अभी तो हमें जो डेटा मिला है वो वर्ल्ड से मिला है, हमें कोविड इन्फेक्शन का जो अफेक्ट बॉडी को करता है वो डेटा है अपने पास, और जो वैक्सीन है जो अडल्ट्स में लग चुकी है उसका भी डेटा है, और लास्ट 3-4 महीने से जो वैक्सीन बच्चों में भी लग रही है 12 टू 18 इयर्स उसका भी डेटा है। तो अगर हम ये डेटा देखें तो जो साइड इफेक्ट्स और जो इश्यूज कोविड होने से जो होते हैं वो तो एकदम क्लियर कट है, और वो जैसे मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म कोविड और हार्ट अफेक्टेड और बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट्स है अभी तो लिटरली आई थिंक 1.5 ईयर हो गया है, वो हम लाइव मतलब वर्ल्ड में देख चुके हैं कि इतने सारे बुरे इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। और वो जो क्लॉटिंग का जो बात हो रही थी वो कोई कोई वैक्सीनेशन में थी, अभी के लिए तो कोवैक्सीन में वो है ही नहीं, और वो जो क्लॉटिंग भी हुआ था वो भी प्रतिशत जो हुए थे वो बहुत कम मात्रा में थे। नॉर्मली कोविड में भी काफी क्लॉटिंग ब्लड में हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और पैरालिसिस, ये हम लोगों ने अडल्ट पॉपुलेशन में बहुत देखे हैं। तो मेरे हिसाब से जो इन्फेक्शन से लेके जो बुरा हो सकता है उसके कंपेयर में वैक्सीन जिसका डेटा है वो हिसाब से काफी सेफ है। सो मुझे नहीं लगता है कि ये सोच के कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा वैक्सीन का, हमें उस वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए और फिर अभी ऐसा ना हो जाए कि बिना वैक्सीन के हमें इन्फेक्शन हो जाए और काफी इश्यूज हो जाए, या फिर हम वो इन्फेक्शन घर में जो बड़े लोग हैं जिनको बुजुर्ग है उनको भी हम स्प्रेड करें। सो आई थिंक वैक्सीन काफी सेफ है, ये पूरा डेटा है, ये साइंटिफिक डेटा है, इसलिए हमें पेरेंट्स को ये सोचना नहीं है कि लॉन्ग टर्म कुछ होगा और फिर ना ले वैक्सीन। आई वुड एनकरेज के सब पेरेंट्स जाके ये वैक्सीन ले ले। ठीक है डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कई
भ्रम है जिससे उबरना बहुत जरूरी है, और जरूरी ये है कि वैक्सीन लगवाइए क्योंकि वैक्सीन ही आपको सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जब आज जब 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लग रही है तो वहां पर आप जैसी जानकारी लंबाई, वजन, ब्लड प्रेशर उनका वहां पर चेक हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन वहां पर फिट होने पर कंसेंट फॉर्म भी क्या दिया जा रहा है और ये किस बिहा पे, लाइक अगर आप आधे घंटे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तब ये कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है, या घर पर भी जाकर अगर कोई दिक्कत उनको होती है तो भी वो कहां संपर्क कर सकते हैं, ये सारी भी जानकारी उनको दी जा रही है? हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं जिस तरह से गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कोई हमें प्री वैक्सीनेशन इस तरह से कोई हमें वो पैरामीटर्स एज सच लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर कहीं पे ले भी रहे हैं किसी सेंटर में तो एक अच्छी बात है, और फिटनेस सर्टिफिकेट और बस हमें वही सारे जो वैक्सीनेट अडल्ट हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उसी तरह से पेडियाट्रिक जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए उसमें बस डॉक्टर की अवेलेबिलिटी और वो सब होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद उनको आधा घंटा बिठाते हैं एज ए ऑब्जर्वेशन, बाकी और सच ऐसा गाइडलाइंस में नहीं है कि उनको कोई फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह ये सब अलग से दिया जाएगा। वो वैक्सीनेशन सेंटर्स अपने प्रोटोकॉल्स अलग तरीके से बना सकता है, पर इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है। यानी और बाकी अगर तबियत कुछ मनिंदर, डॉक्टर मनिंदर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर आप ऐड कर लीजिए। हाँ जी देखो, अगर बच्चों अगर बुखार है, सर्दी है, लूज मोशन है तो उस समय वैक्सीन ना लगाएं, हमें उस समय वेट करना चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर है कि बच्चा हेल्थ होना चाहिए तभी वो, कई लोग साइन कराते हैं कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है ताकि अगर इंजेक्शन लगाए तो ब्लीडिंग हो जाए तो पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जी रिएक्शन हो चुका है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो पक्का अपने वैक्सीन गिवर को बताएं ताकि उसका वो सही तरीके से प्रिकॉशन ले पाए। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ ये सारी भ्रम की स्थितियां बनाई जा रही हैं, लेकिन इन भ्रम में पड़ना नहीं है, अपने आप को अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है, खतरा अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देना, इसीलिए जरूरी ये है कि आप इस ड्राइव में जुड़ें, अपने बच्चों को लेकर पहुंचें, उनको वैक्सीन लगवाएं और किसी भी भ्रम की स्थिति को अपने दिमाग से निकाल फेंकें। इन डॉक्टरों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।